हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे बेटा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी एसएचएम की, और मेनली हम एसएचएम के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ऑसिलेशन से हम आ गए एसएचएम पे। तो ये पूरा चैप्टर एसएचएम के बारे में ही है। बस एसएचएम एक तरह की मोशन और ऑसिलेशन होती है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अब क्या बेटा, अब आप करेंगे मेरे लिए टोटल एनर्जी। ये भी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में तो हमारा पूछा जाता है। या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा इसकी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो हम करेंगे टोटल एनर्जी इन एसएचएम। और SHM का मतलब क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ कि क्या क्या होता है। तो मेरे टोटल एनर्जी इन SHM, अब मैं जब लास्ट वीडियो में जब मैं करा रही थी आपका वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी के बारे में, मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी रिलेट होती है वेलोसिटी से मेनली। अब मैं टोटल एनर्जी करनी है, तो सबसे पहले अपना बेसिक सा कंसेप्ट उठाओ। हमारे जो मेनली 2 तरह की एनर्जी होती है जो मिलके बनाती है टोटल एनर्जी। आपको पता है कौन सी भी 2 एनर्जी होती है? 2 एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं आपको थोड़ा पीछे का रिवाइज करूँ जो आप अब तक पढ़ते आए हो। ठीक है, तो मेनली 2 तरह की एनर्जी होती है, दैट इज टोटल एनर्जी में 2 होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का सम जब हम कर देते तो हमें अपनी टोटल एनर्जी मिल जाती है उस पार्टिकल की। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क होता है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी जब हमने एनर्जी वाला वर्क एनर्जी वाला चैप्टर किया था उसमें भी किया था। मेनली अगर मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक पार्टिकल की एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से लगती है ना, मेनली द एनर्जी विद विच ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी स्टेट की वजह से लग रही है, जैसे वो जिस पोजिशन पे है वो हमारी लगती है किसकी वजह से? मेनली पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से। आप याद भी रख सकते हैं पी फॉर पोटेंशियल, पी फॉर पोजीशन। तो पोजीशन की वजह से कौन सी लगी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का मतलब आपको पता है क्या होता है? मोशन। तो मोशन की एनर्जी कौन सी हुई? काइनेटिक एनर्जी। ये तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। अब इसमें टोटल एनर्जी में कैसे करेंगे? दोनों का सम होता है जो वो होती है मेरी टोटल एनर्जी, दैट इज TE इज इक्वल्स टू KE प्लस PE, है ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लूँ और पोटेंशियल वैल्यू एनर्जी की वैल्यू निकाल लूँ और दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी? मेरे टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है बेटा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब ये कंसेप्ट उठता है यहाँ से, 1-2 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं जो आपके किसी भी TEE में या फिर आपके PMT या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इजीली स्टक हो जाते हैं। ठीक है, और आप उन्हें अच्छे से सही कर सकते हो। बस आप इस आधे घंटे जो मैं करा रही हूँ, आधा घंटा दिमाग को अच्छे से खोल के शांत करके समझ लो, उसके बाद आप जो चाहोगे उस आपके सारे क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट हो जाएंगे। और 30 मिनट्स के बाद या 35 मिनट्स के बाद आप इजिली रेस्ट ले लेना, 5-10 मिनट का कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 10-15 मिनट आप बिल्कुल फोकस्ड होकर बैठ जाइए, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसे कर लीजिए एक बार। तो मेनली टोटल एनर्जी इन SHM, तो मेनली पोटेंशियल एनर्जी और अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाती हूँ मेनली कि आपको पता है क्यों किसकी पोजीशन की वजह से लगती है। तो मेनली जैसे मैं यहाँ पे रखूँ, चलो फिर भी लिखवा देती हूँ, आपको हो जाएगा कि चलो एक कंप्लीट पैक हो गया है नोट्स का। तो मेनली पोटेंशियल एनर्जी मेनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन। ठीक है, मेनली इसकी जो मेन पोजीशन की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो पोजीशन की वजह से लगती है तो मेनली मेन पोजीशन की वजह से लगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को मैं SHM की फॉर्म में अगर करती हूँ, कंसेप्ट वही है बेटा कि ये पोजीशन की वजह से लगते हैं, वो मोशन की वजह से लगते हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा।
ठीक है। बस ये है कि अगर मैं लिख रही हूँ तो कैसे लिख रही हूँ, तो क्योंकि अलग अलग पेजेस पे लिख रहे हैं तो कुछ अलग से लिखना जरूरी होता है जिससे लगे कि हाँ कुछ नया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं रखूँ दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये किसकी वजह से लगती है? पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों हुई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब मैं अगर मानो बेटा जो मेरा हो रहा है यहाँ पे जो ओसिलेशन हो रही है वो मैं मानो कि मेरे फ्रिक्शन लेस है, वहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सम होगा, कोई भी हमारी एनर्जी फ्रिक्शन की टर्म्स में रिलीज नहीं हो रही है, स्पेंट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जो अजम्पशंस है, मैं इन्हें निकालने से पहले याद रखना कि मैंने जो सिस्टम माना है वो मैंने माना है फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शनलेस सिस्टम माना है कि हमारी जो पूरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी वैल्यू मेरी कन्वर्ट हो जाती है टोटल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँ बेटा तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर दोनों का सम करेंगे और क्या आ जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मेनली टोटल एनर्जी के लिए भी एक बार डेफिनेशन लिख लो, टोटल एनर्जी इन SHM इज द सम ऑफ, क्या है मेरी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की एक सबसे मेन बात जो होती है, जो मेरी वेलोसिटी होती है बेटा, जो मेरी वेलोसिटी होती है वो मेन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जीरो। तो मेनली मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एज वी इज इक्वल्स टू जीरो एट एक्सट्रीम एंड v इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एट मीन। तो मेनली मीन पोजिशन पे इसकी वजह से मेरी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजिशन पे हो जाएगी मैक्सिमम, और v यहाँ पे जीरो है तो n एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो। अब मेनली क्या बेटा, अब मेरी उल्टी हो जाएगी इससे पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो एक पॉइंट पे जाके वहाँ पे मेरी वो एनर्जी स्टॉप हो गई, मेरी वो बॉडी स्टॉप हो गई, तो वहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट हो गई, उस पोजीशन पे पोजीशन की वजह से पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एक्सट्रीम पे जाने के बाद वो पोजीशन पे रुकी ना, रुक के फिर वापस आई, तो रुक के वापस आई वहाँ पे जो रुकी वो एक पोजीशन बन गई उस चीज़ की, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई मैक्सिमम। और मेनली यहाँ पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोमेंट में है तो पोजीशन उसकी स्टेबल नहीं हो पा रही मेन पोजीशन के अराउंड, तो मेन पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं नियरली इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो टोटल एनर्जी मैक्सिमम, दोनों का सम यहाँ पे भी सेम मैक्सिमम। अब बस वैल्यू निकालनी है कि अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू से हम कैसे एक वैल्यू में, ठीक है, क्या मैं एक मैग्नीट्यूड बना सकती हूँ, कैसे मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैं लिख सकती हूँ कि टोटल एनर्जी मेरी क्या है कंजर्व्ड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा एक बॉडी कंसिडर करें जिसका मास है एम और वो डिस्प्लेस हुई है छोटी सी एक डिस्टेंस से x से, और जो हमारे अब फोर्स लगा है F। तो मैं अगर लिख लेती हूँ कंसीडर अ पार्टिकल, पार्टिकल या बॉडी ऑफ मास m, लेट द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x बाय फोर्स F। ठीक है, वो एक फोर्स F से वो हुई है। ठीक है, अब मेरे लिए क्या बेटा, जैसे हम करें यहीं से, मैं अगर वो लूँ तो मेरा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स, जितना मेरा फोर्स लगा उतनी मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये अब मानो कि मैंने एक स्मॉल वर्क डन वर्क किया, ठीक है, लेट, ये वैल्यू तो आप समझ गए ना, लेट दिस स्मॉल वर्क डन बी डन। ठीक है, एक वर्क डन किया, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, स्मॉल वर्क डन था इंटीग्रेट कर दूंगी तो टोटल वर्क डन आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू लिखो, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, के बाहर आएगा
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन। एक्स यहाँ पे वन है, वन प्लस वन वन, और नीचे क्या आ जाएगा एन प्लस वन, दैट इज वन प्लस वन, दैट इज ओमेगा विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से जो मेरी एनर्जी आ गई वो क्या आ गई, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। और जो ये मेरा वर्क डन है, यहाँ पे जो ये वर्क डन है, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं ना, मेनली यहाँ पे द वर्क डन इज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मेनली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो आ जाएगी दैट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है बेटा वो क्या हो जाती है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो बेटा मुझे क्या है, मेरा जो अब वहाँ से पता है आपको, ठीक है, जब आपने किया था मेनली जैसे आप करोगे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है मेरा के बाय एम। ठीक है, ओमेगा क्या होता है मेरा के बाय एम अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट के बाय एम, जब आपने ओमेगा की वैल्यू करी थी तो वहाँ से आप देखते हो ना कि टू पाई बाय टी होता है। ठीक है, वहाँ से आपने क्या किया था, वहाँ से उसे क्या दिखाया था कि अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन ए, ठीक है, सॉरी ए अपॉन वाई, ऐसा कुछ दिखाया था ना। तो मैंने वहीं से देखो इस एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस के वाई। ठीक है, और इसी क्या के वाई लिख सकती हूँ इसको, एक्सेलरेशन को। और मैंने वाई, वाई को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, या तो आप ये फोर्स ले लो, देखो मैंने के बाय एम, जब मैंने के बाय एम की से वैल्यू दिखाया है ओमेगा को, तो आप कैसे दिखाएंगे, मैंने मेरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, एम ए इज इक्वल्स टू क्या होता है के वाई माइनस ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू के वाई। ये चीज़ आपने पढ़ी है, ए की वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वेयर वाई, ए की वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वेयर वाई, ये आप पढ़ चुके हो ना मेनली कि फोर्स इंटू, आप यहाँ से देखो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर आपका निकल गया, इतना हुआ। अब मेनली देखो मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, आप लिखेंगे एज वी नो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या बेटा माइनस के वाई होगा रिस्टोरिंग फोर्स, और मास क्या है एम, और एक्सेलरेशन क्या है ए, और ए की वैल्यू क्या आई थी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो पुट करो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस से माइनस कटा, वाई से वाई कटा, के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या आ गई एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया था मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बेटा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं के की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो क्या आएगी, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि मेरी पोटेंशियल एनर्जी की तो वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना बेटा, काइनेटिक एनर्जी। आप इसमें थोड़ा सा और अगर करोगे, देखो हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एक्सेलरेशन की टर्म में अगर लो, तो जो मेरी मैक्सिमम होगी लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए, है ना, मेरी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है एम्पलीट्यूड जो होता है वही मेरा हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस पे, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैक्सिमम मेरी एम्पलीट्यूड पे हो जाएगी ना इस पे, ठीक है, एम्पलीट्यूड पे सॉरी एक्सेलरेशन पे ए स्क्वायर हो जाएगी। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालूं, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा मुझे पता है क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, आर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये निकाली थी। अब मैं इसमें पुट करूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हुआ। अब देखो मैं इसे कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकालूँ, मैं इसे ऐसे लिखूँ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है बेटा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एम ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यहाँ पे वन माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर लिख सकती हूँ। इसका एलसीएम लो, हाफ ऑफ एम, एक बार इसमें क्या था,
इसमें ना बेटा ये एम्पलीट्यूड हमारा स्मॉल ए था ना, तो इसे ठीक कर लेना, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, वो एक्सेलरेशन ही हमारा एम्पलीट्यूड होता है, आपको पता है ना, हाफ ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट करो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हुआ, इससे ये कटा ए स्क्वायर। तो क्या वैल्यूज आई मेरी काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसे आप करो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ गई इक्वेशन टू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई और मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, तो मेनली यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, इसमें क्या करूँगी मैं, इसमें मैं कर दूंगी मेरी टोटल एनर्जी, ठीक है, सॉरी इसमें मैं करूँगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, हाफ और हाफ वन, हाफ ऑफ वन एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मेरे लिए मैक्सिमम लूंगी मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी, तो यहाँ से मैं मैक्सिमम ले रही हूँ बेटा, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो अगर मैंने मैक्सिमम लिया, ठीक है, तो देखो ये तो मेरी वैल्यू आई यहाँ से, अब सॉरी ये गलत 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 हो गया थोड़ा सा, मेनली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मेरी कब आती है, मीन पोजीशन का मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू जीरो, तो वाई की वैल्यू जीरो से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन टू। इक्वेशन थ्री, अब मेनली मुझे निकालनी मैक्सिमम टोटल एनर्जी, तो मैक्सिमम टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जब आप करेंगे ऐड क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई मेरी टोटल एनर्जी की, तो ये मेरी क्या आ गई, कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखो मेरी मैक्सिमम मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी वो एक्सट्रीम पे कौन सी माइनस हो रही है और मेरी उस पर कौन सी प्लस हो रही है, आपको पता है ये डिस्टेंस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसकी वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आई। अब इसमें थोड़ा सा और निकाल सकते हो, ओमेगा क्या होता है बेटा, टू पाई म्यू, है ना, कई बार हमें बोला जाता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालो, तो टू पाई म्यू ओमेगा की जगह लिखोगे टू पाई म्यू, देन यू विल गेट एम फोर पाई स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो कैसे लिखोगे, फोर पाई स्क्वेयर एम वी स्क्वेयर ए स्क्वेयर इज ऑल्सो इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। तो किसी भी एक्सप्रेशन में आपसे निकलवाई जा सकती है, आप लिखने के लिए तैयार रहिए। तो मेनली हमें पता है जो मेरी एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास पे, वेलोसिटी पे और हमारे एम्पलीट्यूड पे, उसका डिस्प्लेसमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट अब मेरी कर दी गई है एक्सट्रीम पोजीशन की मेन पोजीशन से इंक्रीज़ कर दी गई है, तो एनर्जी पे हमारा इफेक्ट बताओ, तो वो क्या होती है, रिमेंस कॉन्स्टेंट, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये हुआ। अब इसके लिए ग्राफ प्लोटेशन आती है बेटा, ठीक है, तो ग्राफ प्लोटेशन कैसे करोगे, जैसे मेनली जैसे यहाँ पे है मेरी एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ प्लॉट करना आता है, सीधी सीधी वैल्यूज है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर है, के की वैल्यू निकाली बाय द इक्वेटिंग ऑफ द फोर्स लॉ के बाद हमने सीधा काइनेटिक एनर्जी निकाली, उसमें जो वाई वाले टर्म्स थे वो जीरो कर दी, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम वो मेन पोजिशन पर होते हैं, मेन पोजिशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप करोगे बेटा, ये है एनर्जी, ये है मेरी, ये मेरा जा रहा है टाइम टी, तो मेरा क्या है, जैसे मेरी मैं दिखा रही हूँ काइनेटिक एनर्जी, ये मेरी मेन पोजीशन है जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो पे मेरी क्या होती है बेटा, मेरी एनर्जी कौन सी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मेनली जैसे ये वाली वैल्यू लो, ये ऐसे शुरू किया मैंने ग्राफ ऐसे, ठीक है। अब दूसरा क्या बेटा, दूसरा देखो
दूसरा है मेरा ऐसे, मेनली क्या कि मेरा नीचे से शुरू हो, ठीक है, क्योंकि मेरी मेन पोजिशन ये मेरी मेन पोजिशन है, मेन पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, तो उसे मैं कैसे दिखाऊंगी, तो इसमें आपका जो ये कलर है येलो, ये पिंक है, ये काइनेटिक एनर्जी, ब्लैक इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड द ग्रीन शोज दैट, जो ग्रीन कलर शो करता है ये दिखाता है टोटल एनर्जी। आपको पता है जब मेरी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, और जब ये मिनिमम थी तो वो मैक्सिमम, तो मेरे लिए मिनिमम मैक्सिमम वो जुड़ते गए, और एक हमारी थ्रू आउट दी पूरे सिस्टम हमें क्या मिली, हमें एक टोटल एनर्जी मिली जो कि हमारी क्या रही, कॉन्स्टेंट। तो ये ग्राफ बनाना बहुत आता है, इसी के साथ एक और ग्राफ बनाना आता है कि एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे बनाओगे, ये तो टाइम के साथ है, तो टाइम के साथ याद रखना बेटा, आप पूरा ऑसिलेशन देखो, यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरा टाइम यहाँ पे पूरा होगा ना, जैसे ये तो इस तरफ से ये गया, फिर ये आया है ना, ये गया और ये आया, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, टी बाय टू, क्योंकि ये गया और आया, अब दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन पे ये जाएगा और यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा टोटल टाइम टी। तो पूरे टोटल टाइम टी के बाद देखो मेरी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, मिनिमम, और ये क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि वो मेन पोजिशन पे आएगा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ना, क्योंकि देखो वो क्या आ रहा है, मेन पोजिशन पे आ रहा है, देखो मेनली यहाँ से वो क्या आ रहा है, मेन पोजिशन पे, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन पे ही मेरा पूरा टाइम टी हुआ ना, पूरा एक रिवॉल्यूशन, तो पूरे मेन पोजीशन पे मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी मेरी मिनिमम ही आ रही है, तो यहाँ से आप इसे वेरी भी कर सकते हैं। तो ये तो एनर्जी का ग्राफ था मेरा टी के साथ, टाइम के साथ, अब मेरा एनर्जी का ग्राफ आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ग्राफ ध्यान से बनाने हैं। तो दूसरा ग्राफ देखो, ये मेरे ऐसे डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माई एनर्जी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो मेनली हमें पता है दिस इज द मेन पोजीशन, आप लिख भी लेंगे मेन पोजीशन, ठीक है, तो मेरी टोटल एनर्जी क्या है, वो मेरी कंजर्व्ड है, दैट इज लाइक दिस कांस्टेंट, यहाँ पे देखो ये है मेरी एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम, अब देखो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे ज्यादा होती है, तो ये मेरे जैसे अगर मैंने किया एक्सट्रीम पोजीशंस ऐसे, ठीक है, तो मेरे लिए एक्सट्रीम पोजीशंस को मैंने ऐसे किया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो, और मेरी मेन पोजीशन पे वो ज्यादा, तो ग्राफ कैसे जाएगा, थोड़ा अच्छे से इसे कर्व कर लेना लाइक दिस, ठीक है, और मेरी मेन पोजीशन पे जो मेरी वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की वो जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा, तो वो ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ होता है किसके लिए, ये होता है मेरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के साथ एनर्जी का, ठीक है, तो ये वाली चीजें याद रखना बेटा कि यहाँ पे ये टोटल एनर्जी है, दिस इज माय टोटल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, नहीं दिस ग्रीन इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस रेड इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो बस ये ग्राफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ग्राफ्स तो अच्छे से बनाने हैं। अब इसी के साथ क्या बेटा, इसी के साथ हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं साथ के साथ, जिससे आपका और अच्छे से हो जाए। तो जैसे आपका है न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया क्वेश्चन, अ बॉडी वेइंग 10 केजी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड आफ्टर 1 सेकंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन, इफ द टाइम पीरियड इज 6 सेकंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी। मुझे मास दिया गया है बॉडी का कितना 10 केजी, फिर बोला गया कि उसकी वेलोसिटी जिससे वो मूव करे दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, टाइम भी मुझे दिया गया है बेटा 1 सेकंड के 1 सेकंड के बाद, और मेनली टोटल टाइम पीरियड जो है वो 6 सेकंड, जो स्मॉल टी होता है वो होता है बेटा कि कौन से सेकंड में पूछा जा रहा है, और जो कैपिटल टी होता है कि मेरा टोटल टाइम पीरियड कितना लगा पूरी एक वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या निकालनी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होती है, दैट इज हाफ ऑफ एम, 10 × 6 = 36, तो ये आप काटोगे 18 पे, दैट इज 180 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 180 जूल। अब देखो मुझे वी की वैल्यू क्या निकालनी है, देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब मुझे के की वैल्यू तो नहीं पता, मुझे ओमेगा की वैल्यू भी नहीं पता कि मैं सीधा पुट करूं, तो देखो वी क्या होता है, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी,
कोस ओमेगा टी, ओमेगा इज रिटन बाय 2 पाई बाय टी, तो यहाँ से अगर मैं करूँ वी इज इक्वल्स टू ए 2 पाई बाय टी कोस 2 पाई बाय टी दैट इज 2 पाई बाय 6, 2 पाई टी कितना है 6 है और मल्टीप्लाई बाय क्या है कोस ओमेगा टी, टी इज 1 तो 3, तो पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज इक्वल कोस पाई बाय 3 विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2, तो यहाँ से कोस पाई बाय 3, तो मेरे लिए वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू ए इंटू 2 पाई बाय 6 कोस पाई बाय 3 विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2, दैट इज ये क्या है 3 पे, तो क्या ये वैल्यू पूरी वी इज इक्वल्स टू जो आया है वो क्या है 1 अपॉन 6 ए पाई, ठीक है, तो ये क्या आ गई मेरी दिस। मेन लीजिए जब अगर मैं इसे पुट करती हूँ, देखो अब अगर मुझे ए ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, पाई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सीधा ऐसे ही लिख लो, देखो वी इज इक्वल्स टू ए 2 पाई बाय टी अपॉन हाफ, ये क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू 12 और इसे मैं लिख सकती हूँ ए ओमेगा, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई मेरी वो क्या थी ए ओमेगा, दैट इज ए ओमेगा की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ से मैं टोटल एनर्जी निकाल सकती हूँ मेरी कैसे हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये होती है मेरी टोटल एनर्जी, तो हाफ ऑफ एम 10 ओमेगा स्क्वेयर ए ओमेगा की वैल्यू पता मुझे, अलग अलग से नहीं पता बट मुझे ए ओमेगा की वैल्यू पता है दैट इज 12 और ये दोनों का स्क्वेयर है दैट इज 12 स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ ऑफ 10 12 का स्क्वेयर दैट इज 144, इससे आप करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 और 2, ठीक है, तो 72 दैट इज 720, ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से जो आपकी टोटल एनर्जी आ गई वो क्या आ गई 720 जूल, ओके, और जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आई थी वो क्या आई थी 180 जूल, ठीक है, अब मुझे पता है टोटल एनर्जी मेरी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से आप सिमिलरली निकाल भी सकते हैं 720 जूल माइनस 180 जूल, वहाँ से क्या आ जाएगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर लीजिए कि पहले काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फिर टोटल निकालिए, या फिर आप काइनेटिक और टोटल अगर इजीली निकाल सकते हो तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो मेनली मेन जो होता है आपका जो आपने स्टेप फॉलो करें वो डिपेंड नहीं करते कि आप किस वे से निकाल रहे हो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से निकाल लिए बट लास्ट में आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का पूरा एक लेक्चर हो गया है, इसमें मैंने आपको बताया पूरी थियरी और एक दो न्यूमेरिकल भी, तो ये 30-35 मिनट जितने भी है ये अच्छे से रिवीजन कीजिए क्योंकि 3 मार्क्स आपके पक्के हैं इसे करने के बाद, ठीक है, तो एनर्जी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है, अगले कुछ नए टॉपिक्स हम न्यू वीडियो में पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।